आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्रियन कोथिंबीर वड़ी की रेसिपी। ये रेसिपी काफ़ी इजी है और ये महाराष्ट्र में अक्सर बनाई जाती है। सबसे पहले पैन में 1 कप बेसन लेंगे और उसे रोस्ट करना है लो फ्लेम पर। उसको हल्का सुनहरा रंग आने तक रोस्ट करना है और बेसन रोस्ट करते समय जब उसकी हल्की सी स्मेल आने लगती है तब फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब ये बेसन अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। फिर लेना है 2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो कप बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते, और 2 कप बारीक कटा हुआ पालक। इन सब इंग्रेडिएंट्स को बोल में डालने के बाद उसमें जो रोस्ट किया हुआ बेसन है वो डालेंगे। साथ ही में डालेंगे स्वादानुसार नमक और इसे ऐसे ही मिक्स करना है, पानी बिल्कुल भी ना डालें। जैसे कि आप देख सकते हो बिना पानी डाले ही ये मिक्सचर अच्छे से बन चुका है। फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। एक टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 5 टेबलस्पून पानी। फिर इसे मिक्स करना है। ज्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है। अब ये मिक्स होने के बाद इसमें हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, सबसे एंड में डालें, और फिर इसे मिक्स करना है। फिर यहाँ मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, इसके ऊपर तेल लगाएंगे और फिर 1/2 मिक्सचर इस प्लेट में डालेंगे। और इसे सारे साइड से फ्लैट कर देना है। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1/4 कढ़ाई भरकर पानी डाला है और उसमें एक स्टील का स्टैंड रख दिया है। फिर उसके ऊपर हम ये प्लेट रखेंगे, स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से सेसमे सीड्स और फिर इसे ढककर 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 20 मिनट बाद ये अच्छे से स्टीम हो चुकी है। इसमें टूथपिक डालकर चेक करें कि ये अच्छे से स्टीम हो चुका है या नहीं। ये बन चुका है, इसे हम ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा होने के बाद इसे हमें कट करना है स्क्वायर्स में। आप चाहिए तो आप इसे सर्कल शेप में भी बना सकते हो। अब यहाँ मैंने लिया है डीप फ्राई करने के लिए तेल। तेल को गर्म होने देना है और फिर इसमें हम डालेंगे ये कोथिंबीर वड़ी। इसे सुनहरा रंग आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब ये एक बैच फ्राई हो चुकी है।
फिर डालेंगे दूसरी बैच, इसे भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।